वो जमाती वाले गांव में गए भाई दावत देने, गश्त करने। मगरिब बाद निकले मोहल्ले में, एक बूढ़े मियां थे, सलाम दुआ हुए, बोला कि चचा जमात आई है, थोड़ा चलिए साथ में हम लोगों का। बोला नहीं बेटा, घुटना में ना ताकत नहीं है। बोला तो ऐसा कीजिए, आप मस्जिद ही चलिए नमाज। तो बुढ़वा बोला के बेटा एक बात बोले, बोले हाँ बोलिए। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं ना कुछ मेरे घर में हो जाता है। बोले की बोली जाओ। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। बोला हाँ हाँ, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं सोचिए, ये शैतानी वसवसा है, शैतान आपको बहका रहा है। तो बूढ़ा का एक जवान बेटा था, बोला कि ठीक है आप नहीं जाइएगा तो अपना बेटा को ही भेज दीजिए, कम से कम जवान बेटा है नमाजी बन जाएगा। तो बड़ा मजबूर हो गया बूढ़ा, तो बेटा को तैयार किया, बेटा जमाती लोगों के साथ में चला गया। गश्त करते करते मस्जिद गया, ऐशा की नमाज हुई, अब जमाती लोगों ने वहीं बैठा लिया, नौजवान को बैठा लिया, बेटा तू खाना खा ले, खाना खा लिया। तो बातचीत करते करते रात हो गई, तो बोला तुम भी मस्जिद में सो जाओ, फजर पढ़ के घर चले जाना। ये नौजवान मस्जिद में सो गया। आई तफाकन कहिए 3 बजे रात भोर में इसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा 1 घंटा में मर गया। ये लड़का को पता चला, सुबह भागा भागा घर आया, ओ कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, बाप का मरना था। अब वो जो माँ है ना, अब जवान बेटा है, कमाओगे नहीं तो घर में खर्चा चलेगा भाई, खर्च चलेगा। अब परेशान है माँ, यहाँ वहाँ 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 काम करके खाना खिला रही है। तो 2-4 महीना हो गया तो माँ बोली कि बेटा तुम इतना बड़ा हो गया है, जाना पंजाब दिल्ली, जाना कमाना, घर छोड़ना, जाना जाए लाएगा नहीं 10 पैसा, खाएंगे कैसे। तो नौजवान बोला कि नहीं नहीं, हमसे ना काम होगा ना धंधा होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, माँ तू ही काम कर, जो करना तुम कैसे भी हो हमको खिलाओ, हमको ये सब टेंशन नहीं लेना। तो माँ तो माँ होती है ना, माँ गुस्सा गई एक दिन, बोले तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, हम तुमको बूढ़ा आदमी कमा कमा के कब तक खिलाएंगे, तुमको शर्म नहीं आती है, घर से निकल जाओ। ये नौजवान बोला अच्छा ये हमारा घर से निकल गया, एक दिन नमाज पढ़े गिलान बाबा गेले नहीं, और दूसरी बार फिर मस्जिद गिलान तुरे बारिश हो। आप बुढ़िया बोली नहीं बेटा मत जो नमाज पढ़े ली, हम मैं कमा के खिला दूँ तुरा। तो मेरे भाई और नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और किसी बंगला शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज को यह ना बोलो कि हमको काम है, हम काम करेंगे तुमको नहीं पढ़ेंगे, काम को यह बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। इंशाल्लाह यकीन करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। सामईन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे ना, जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहली फुर्सत में, मदीना पहुंचने से पहले एक जगह ठहरे और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। जब वहां से जुमे की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और जानते हैं कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई, वो सहाबा पे कुर्बान जाइए, उस वक्त अभी हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए ही थे, दौलत मक्का में छोड़कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, अपनी हवेली मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ मदीना गए थे। लेकिन कुर्बान जाओ वहां मस्जिद बनानी है, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें मस्जिद हम लोग बनाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सुभान अल्लाह, बोले मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। ओ मस्जिद तो वो जगह है कि जिस जगह के अंदर में दाखिल हो जाओ
वह अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मस्जिद के अंदर मैं दाखिल हो गया वो मेरा मेहमान है, और जो अल्लाह का मेहमान हो तो सोचो तो सही वो कितना किस्मत का सिकंदर होगा, वो कितना खुश नसीब होगा, वो इंसान कितना खुश नसीब होगा जो अल्लाह का मेहमान हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखी, खाली पड़ी हुई थी मैदान, तो आपने फरमाया भाई ज़मीन किसकी है? कहा या रसूलल्लाह दो यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है, चचा की किफालत में दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। कहा ऐसा करो चचा को भी बुलाओ, उन दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ। देखिए मसाला समझिए, बात को समझिए, सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, किसी की ज़मीन पे बग़ैर इजाज़त मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। मस्जिद खालिस वक्फ किया हुआ ज़मीन पे ही मस्जिद बनेगी, जिस ज़मीन को ख़रीदा गया है या किसी ने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, यहाँ ये मस्जिद में मैं दे रहा हूँ। ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पे मस्जिद जायज़ नहीं है, सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, गैर कानूनी ज़मीन पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा या रसूल्लाह मेरी है। कहा कि इसको बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये ज़मीन अगर तुम बेचोगे हम इस ज़मीन को ख़रीदेंगे और ख़रीद कर इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बोले तो ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। तो ज़मीन वाले ने कहा या रसूल अल्लाह ये ज़मीन मैं आपको दे रहा हूँ मस्जिद बनाने, बोले नहीं कुछ कीमत लेनी होगी। वो राज़ी हो गया, एक कीमत तय हुई, मस्जिद नबवी की ज़मीन की एक कीमत तय हुई। ज़मीन वाला राज़ी हुआ तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, देखिएगा हौसला देखिए, हौसला देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, इखलास देखिए। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जो ज़मीन की कीमत तय हुई है उस ज़मीन की कीमत मैं अकेले अदा करूँगा। सुभान अल्लाह। बोला दमाशा उस ज़मीन की कीमत मैं अकेले अदा करूँगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अकेले अदा करी थी, मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों ये मस्जिद जिस मस्जिद का जलसा है दूसरी मंजिल की छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा लेंगे मेरे भाई? भाई इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। भाई जन्नत में घर बनाना है महल बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। आज जमीन अल्लाह ने दिया है अल्लाह का घर बना दो। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे जीरो माइल के, ये अररिया जिला कौन बस्ती मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी मस्जिद थी, ऊपर में छप्पर है, दीवार भी कट्टी की दीवार, और एक गरीब आदमी था बेचारा, चार बेटे का बाप, दो चार बीघा ज़मीन का मालिक था बेचारा। एक दिन क्या हुआ अपने जवान बेटों को बैठाया, बोला बेटा बैठो मशवरा है, बेटा बैठो मशवरा है। तो बेटे लोग बैठ गए तो बेटों ने कब पूछा कि बाबा की मशवरा जी की बात? तो बाप ने कहा कि बेटा जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस वक्त से इस मस्जिद को देखता हूँ ऐसी कैसी पड़ी हुई। बेटा हम बस्ती में बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला है लेकिन आज तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाई इस मस्जिद को बनाने के लिए, अगर तुम लोगों की इजाज़त हो, बेटों से इजाज़त ले रहा है, बेटा अगर तुम लोगों की इजाज़त हो मेरे पास चार बीघा ज़मीन है, एक बीघा ज़मीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना दे रहे हैं। तो बेटों ने कहा कि अब्बा ये ज़मीन का मालिक आप हैं, गार्जियन घर का आप हैं, हम लोगों से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, आपकी ज़मीन एक बीघा नहीं दो बीघा नहीं अब सब बेचकर बना दीजिए। बाप ने एक बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, हकीकत है, यह अररिया जिला है।
जानते हैं ये बेचारा गरीब आदमी, ये तो मस्जिद बना दिया, पक्के का मस्जिद बना दिया। अब इसका घर में पूरब बीटा पश्चिम बीटा में दो फूस का मकान था, चार बेटा था, चार बीघा जमीन, एक बीघा जमीन बेची दिया, तीन बीघा जमीन मालिक बेटा लोग मजदूरी करता था। छह महीने गुजरे होंगे मस्जिद बनाए हुए, छह महीना गुजरा होगा, इसका दो बेटा सऊदी चला गया दुबई। अब दो बेटा गया तो तीसरे भाई को भी बुला लिया। देखते देखते चार साल नहीं गुजरा, अल्लाह उसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया। आज उस बस्ती का आलम यह है कि उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। तो मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर बना देंगे। सुभान अल्लाह, बोला दो माशाल्लाह। तुम मेरा घर बना दो दुनिया में, तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा जन्नत में घर बना देंगे। मेरे घर को, मस्जिदों को आबाद करो, हम तुम्हारे घर को आबाद कर दें। मेरे भाइयों, मस्जिदों को बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। ये दुनिया धोखे की दुनिया है, इस दुनिया से निकलो, आंखें खोलो, आंखें बंद कर जिंदगी मत गुजारो, मौत पीछे खड़ी है। क्या लेकर जाओगे यहां से, यहां से क्या लेकर जाओगे? ये जमीन नहीं जाएगी, सोना नहीं जाएगा, चांदी नहीं जाएगी। ओह, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। तो मेरे भाई जन्नत में महल बनाएंगे मेरे भाई।